तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसे चल रहे हो आप लोग। रैंक पुशिंग कमेंट करके जरूर बता देना। और बहुत बंदे बोल रहे थे भाई हैकर की वजह से माइनस लग रहा है। सच में बहुत ज़्यादा हैकर आ रहा है पहले के हिसाब से, क्योंकि देखो तो जितना दिन जाएगा ना, मतलब जितना पुराना होगा, 1 महीने ऑलरेडी हो चुका है, 1.5 महीने होने वाला है, तो जितना दिन जाएगा शायद हैकर वगैरह और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और ऊपर से प्लस भी बहुत दौड़ा, थोड़ा बहुत कम मिल रहा है पहले के हिसाब से, क्योंकि मैं देखो टॉप 2 टॉप 3 सर्वाइव कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को 10-12 का प्लस मिल रहा है कॉन्करर लॉबी में। और जितने भी बंदे मतलब कौन से टायर पर हो ना, एक बार कॉमेंट कर देना तो मेरे को उससे पता चल जाएगा कि आपका रैंक पुशिंग कैसा चल रहा है। और बहुत बंदे बोल रहे हैं कि भाई हैकर की वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो थोड़ा सा मोटिवेट के लिए कुछ बोलो। तो उन सब के लिए भी थोड़ा कुछ बताएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और थोड़ा बहुत मोटिवेट की भी करेंगे कि कॉन्करर क्यों नहीं हो रहा है इसके टॉप मतलब बारे में तो मतलब बोलूँगा ही। और ऊपर से देखो जो हैकर आ रहा है ना, उनके लिए तो मैं कल वाला वीडियो मैंने बनाया था, 2 गेम प्ले दिखाया था, दोनों में मैंने शायद 15 या 12 का प्लस निकाला है, दोनों में एक में 15 का एक में 12 का। तो कॉन्करर लॉबी में बहुत अच्छा खासा प्लस होता है, सीधी सी बात है, ये बात याद रखना, क्योंकि मेरा जो रैंक है ना 200 के आसपास चल रहा है। और एक चीज़ की आपको कितना पॉइंट चाहिए, बहुत बंदे भी कमेंट कर रहे थे कल वाले वीडियो में, शायद मैंने बताना भूल गया था, पता नहीं, याद नहीं है, जो भी है तो ये भी मतलब बोल देता हूँ। तो जो पॉइंट चाहिए ना 5050-60, मतलब 5050 से 60 पॉइंट कर लो तो ईजी आपका जो रैंक है ना 350 के अंदर आ जाएगा, और आपका ईजी नेक्स्ट मॉर्निंग आपको कॉन्करर मिल जाएगा। इतना पॉइंट चाहिए। और ये जो पॉइंट है ना, ये भी बताता हूँ, दिन का अभी 10 से 15 बढ़ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना कि आज मैंने 50 बताया तो कल शायद 65 हो जाएगा, उसके बाद मतलब 75 हो जाएगा, 5075, इतना पॉइंट बढ़ता रहता है 10 से 15, क्योंकि अभी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। मैं बोलूँ ना कॉन्करर करना थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि पहले वीक, दूसरा वीक या तीसरा वीक ना जो होता था बहुत ज़्यादा तेज़ी से रैंक बढ़ता था, मतलब दिन का 50-60 पॉइंट बढ़ ही जाता था, पर अभी वो नहीं हो रहा है। तो अब लोग थोड़ा सा सेफ खेलोगे ना तो ईजी कॉन्करर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो पॉइंट बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब आप 400 रैंक पर भी छोड़ दोगे ना तो सुबह आपको देखना 450 के आसपास रैंक पर आपको कॉन्करर मिल जाएगा, इतना है। और अब बात करते हैं कि जो भी बंदा हैकर से पीट रहा है ना, माइनस लग रहा है, उन लोगों के लिए देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जोन के बाहर सर्वाइव करो। और थोड़ा सा मोटिवेट के लिए बोलता हूँ, देखो प्लस माइनस गेम का हिस्सा है, सीधी सी बात है, प्लस भाई लगेगा तो माइनस लगना तय है। देखो मतलब 4-5 मैच मतलब मैच में जो ना प्लस लगा लोगे तो 1-2 मैच में माइनस लगना पक्का है। और यहाँ पे ऐसा मत खेलो कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब लापरवाही से मत खेलो, मैं बोलूँ तो, क्योंकि थोड़ा सा सीरियसनेस रखो गेम के अंदर। और आपको देखो मतलब ऐसा दिल के अंदर मतलब मोटिवेशन रखो कि मेरे को कॉन्करर करना है। बहुत बंदे भाई ऐसे कहते भाई होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट सीजन कर लेंगे। ऐसा करोगे तो नेक्स्ट सीजन भी नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। थोड़ा सा मोटिवेट होकर खेलो, हैकर भाई हर एक सीजन आएगा। तुम सोच रहे हो भाई इस सीजन ज़्यादा हैकर आ रहा है, नेक्स्ट सीजन नहीं आएगा, हो सकता है नेक्स्ट सीजन और भी ज़्यादा आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हैकर से भी बच के रहना पड़ेगा। और हमेशा मैं बोला कि जोन के अंदर सर्वाइव करो। और कल वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना, मैं जो वीडियो यहाँ पे दिखाया ना हैकर लॉबी में कैसे सर्वाइव किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक नहीं, उस वीडियो में 2 गेम प्ले दिखाया और दोनों में प्लस निकाला हुआ है। इसमें एक में शायद टॉप 3 निकाला था, एक में टॉप टू निकाला था, मतलब समझ रहे हो ना, हैकर से भी बच के, मतलब क्या ही खतरनाक गेम प्ले था, आप देख के समझ जाओगे। और आज का गेम प्ले भी ना मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। और एक बात याद रखना कि बहुत बंदे बोलते सोचते कि भाई मेरे को चिकन चाहिए, देखो हर गेम में चिकन नहीं होता, मेरे पे तो नहीं मिलता, सीधी सी बात है। मैं कोशिश करता हूँ प्लस निकालने के लिए, टॉप 10 से बाद ही फाइट लेता हूँ, किल के चक्कर में बिल्कुल मत जाओ। अभी के टाइम पे ना हर एक मैच में हैकर वगैरह आ रहे हैं, सीधी सी बात है, बहुत ही ऐसा रेयर टाइम है कि जिसमें हैकर नहीं आ रहा है। सुबह के टाइम में खेल सकता हूँ 8 से 9 बजे के बीच में, उसी टाइम हैकर वगैरह थोड़ा सा कम आ रहा था, कि मैं देख रहा था कि मैं 8 से 9 बजे 1-2 मैच खेला था तो उस दोनों मैच में मेरे को हैकर देखने को नहीं मिला था। तो इस टाइम भी आप मतलब मान के चल सकते हो कि उस टाइम थोड़ा सा हैकर वगैरह कम देखने को मिलेगा, इतना इसी ने। और ऐसे ही सर्वाइव करो, आपको बस थोड़ा सा सर्वाइव करो और थोड़ा सा मोटिवेट दिल के अंदर रखो। और माइनस वगैरह लग जाता है ना तुरंत गेम मत खेलो, थोड़ा सा होल्ड करो, मतलब माइनस लग गया तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा होल्ड करते कुछ मतलब बाहर से थोड़ा सा घूम वगैरह गाँव ना तो आपका जो माइंड है ना वो फ्रेश हो जाएगा, और आपको मतलब ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा और ईजी पुश कर सकते हो। और थोड़ा सा मतलब गेम को टाइम दे के खेलो, क्योंकि एक मैच जो रहता है ना 40 मिनट के आसपास जाया जाता है, मतलब 30 से 32 मिनट 33 मिनट के आसपास गेम प्ले रहता है, तो इतना टाइम थोड़ा सा दे के खेलो और ज़्यादा से सर्वाइव करने की कोशिश करो। सोलो में भाई किल वगैरह नहीं करो। और जो भी बंदा डुओ में भी रैंक पुश कर रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी यही सेम टिप्स रहता है, सोलो डुओ बिल्कुल सेम होता है, बस सर्वाइव पे फोकस करो, आपका जो ईजी है ना वो ईजी प्लस आप निकाल सकते हो। और भाई कोशिश करो माइनस ना लगे हर एक गेम में। हैकर आ रहा है तो मैंने बोला कि जोन का बाहर सर्वाइव करो, कोई दिक्कत नहीं, बिना हैकर मतलब हैकर का गेम आ रहा है ना, मतलब कोई भी मतलब मैच खेल रहे हो ना अभी के टाइम पे भाई हैकर वगैरह भी ना एंड जोन में मतलब किल वगैरह निकाल रहा है, समझ रहे हो ना, इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई पता ही नहीं चल रहा है गेम के अंदर हैकर है कि नहीं। लास्ट जोन में जब एंट्री लेता हूँ तो तभी देखता हूँ कि हैकर है भाई, पूरा खत्म, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही आप सर्वाइव करो तो बिल्कुल आपको हैकर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो सामने एक बंदा आ रहा था,
इसको भी इजी किल कर देते हैं। सोलो में यही दिक्कत है, देखो बिना गाड़ी के आप जाओगे ना तो इजी पे ले जाओगे, समझ रहे हो ना। गाड़ी हमेशा रखो और एंड जोन में तो बाइक बिल्कुल मत रखना। बाइक से भी स्प्रे दे, मतलब बाइक लेके जाना और पैदल जाना बिल्कुल सेम ही होता है, तो बाइक लेके मत जाना। तो कोशिश करना एक थोड़ा सा मतलब बग्गी वगैरह या मतलब डासिया वगैरह इस टाइप का गाड़ी ले लो, फोर व्हीलर, थ्री सीटर या टू सीटर मत लो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। फोर व्हीलर लेके घूमो तो आपको थोड़ा सा कवर वगैरह में मिल जाता है और ईजी सर्वाइव भी कर सकते हो। ये सब टिप्स बहुत बंदे नहीं बोलते हैं, तो आप लोग ऐसा टिप्स थोड़ा सा मेंटेन करो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी यूट्यूबर का ना, थोड़ा सा मैं नहीं बोलूँगा कि भाई मेरे वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ऐसा नहीं है। आपको जो फेवरेट यूट्यूबर लगता है ना वो आपको देखो, मतलब उसका वीडियो देखो कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे पुश कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ देखो, जो भी बंदा आईपैड वगैरह में खेलता है ना भाई, मैंने उन लोगों को देखा फाइट लेके खेलते हैं, तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि उसके पास आईपैड होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज वगैरह होता है, मतलब गोलियां बहुत ज़्यादा चिपकते हैं, पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ये बात याद रखना कि आईपैड और एंड्रॉयड और जो आईफोन वगैरह होता है ना, वो सब अलग चीज़ होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज वगैरह रहता है जो भी आईपैड वगैरह में खेलता है। आईफोन में भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, तो आप कोशिश करो भाई जितना हो सके ना वो क्या मतलब फाइट इग्नोर करो, दूसरे यूट्यूबर की तरह देख के भाई फाइट लेने मतलब फाइट लेने मत निकल जाना, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। तो यही चीज़ है, जो भी सीन था आप देखो गेम प्ले बारे में थोड़ा सा बता देते। यहाँ पे देखो सामने में जो जोन के अंदर एक कंपाउंड था उधर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे फुटप्रिंट वगैरह आ रहा था, तो मेरे को पता नहीं था बंदा किधर था, और शायद मेरे को लग रहा था बंदा ऊपर है, मैं बहुत नेट वगैरह कर देता हूँ, और उसके बाद सीन देखना बंदा कहाँ जाके निकलता है। तो भाई साहब बंदा इधर ही खड़ा था, मतलब नो फुट कैम कर रहा था भाई, क्या बोलूँ। यहाँ पे सामने और एक बंदा आ जाता है, उससे फाइट तो होने वाला है, और यहाँ पे देख सकते हो कि भाई सोलो में इतना खतरनाक वाला कैंपर आता है ना भाई, उसका लोकेशन भी आप पता नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा नो फुट कैम करता है। तो इसीलिए हर एक घर में घुसने से पहले ना थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, देखो पहले बंदा किधर है, बाहर रह के पहले देख लो, और फिर जाके अंदर घुसना, नहीं तो उसमें भी दिक्कत होगा, समझ रहे हो ना। तो अब देखो सामने वाला बंदा था, उसको बंदा सामने से किल कर देता है, तो मैं किल फिट इतना ध्यान नहीं देता तब के टाइम पे, और नेट वगैरह कर रहा था, फिर मेरे को लग रहा था कि बंदा वहाँ पे नहीं था, नहीं तो नेट से फट जाता। तो अब जोन भी क्लोज इन होने वाला था, और यहाँ पे लास्ट जोन में ना भाई सच बोलो तो लो एंड डिवाइस होने के वजह से ना बहुत ज़्यादा लैग वगैरह होता है, फ्रेम ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से भाई गाड़ी भी ठीक ठाक हैंडल नहीं कर पाता हूँ। मतलब कार वगैरह जब भी मतलब लेके जाता हूँ ना, घुमाता हूँ ना, बहुत ज़्यादा लैग वगैरह होता है उसका। यहाँ पे देख लेना क्या सीन होता है। सबसे पहले देखो जोन यहाँ पे मतलब क्रॉस हो चुका था, मेरे को जाना था जोन के अंदर, अब सीधा निकलता हूँ जोन के अंदर, और यहाँ पे देखो सामने से एक बेटी का धुआं उड़ गया था। अब देखो एक बंदा मेरे सामने आएगा, क्या सीन होता है यहाँ पे ध्यान से देख लो। यहाँ पे क्या बोलूँ भाई, गाड़ी इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ अटक गया था ना भाई, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, सीधा जाके उधर ठुक जाता है गाड़ी, और मैं भाई मतलब उतरने ही वाला था, मतलब टच वगैरह भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है एंड जोन में, जो खेलता है उसको पता है, शायद रिकॉर्डिंग में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, जब मतलब लाइव सिचुएशन होता है ना तब पता चलता है क्या कितना लैग वगैरह हो रहा है। तो जो भी था यही था गेम प्ले, फिर भी मेरे को यहाँ पे 11 का प्लस मिला कॉन्करर लॉबी पे, समझ रहे हो ना, और यहाँ पे एज वगैरह होता ना तो अच्छा खासा प्लस मिल जाता है, तो इसलिए बोलता हूँ सर्वाइव पे फोकस करो तो आपको अच्छा खासा प्लस मिलेगा। मेरे को चिकन नहीं मिलता, सीधी सी बात है, हर एक मैच में चिकन होता भी नहीं है, और मेरा तो नहीं होता, जिसका होता है वो अलग बात है, बहुत प्रो बंदा है। तो जो भी सीन था, जो भी जैसा भी गेम प्ले जाता है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बस इतना बोलना चाहूँगा, देखो बिना चिकन के साथ भी ना अच्छा खासा प्लस निकाला जा सकता है, बस आपको खेलना आना चाहिए। तो बस यही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है ना तो सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।